कॉर्पोरेट गाइस फाइट हो गई यहाँ पे गाइस। मोर इसको मोर गाड़ी में बाहर नहीं आ रहा गाइस। रोड रेज होगी, जा रहा है। फोटो क्लिक करवाने दे रहा था पहले बाहर खड़ा हो गया, फिर बोला लेट हो रहा है जाने। जब भी आता है देखा उधर से बाहर नहीं आना। वो देख ये देख कैसे बैठा, ऐसे लग रहा है सच में तेरे को किडनैप किया है। वो कहाँ जा रहा है? आगे अगर ताकि तू इतना थोड़ी करूँगा तेरे। और निकलेंगे ट्रिप पर गाइस, काफी ज्यादा मजा आएगा। हमारे साथ और भी हमारे भाई होंगे, तो दो तीन ब्लॉग मैं वहाँ के डालूंगा। इसके पीछे स्मोक टायर्स नॉट ड्रग्स लिखवाया है ना, उसका लिखवाने का क्या रीजन है वो सारा डिटेल में मैं तुम्हें बताऊंगा आने वाले कुछ ब्लॉग्स में। छोटे नशे करे ना कोई तो बंदा घर वाले सह लेते हैं, जो बंदा ड्रग्स वगैरह लेता हो, अगर फैमिली में एक बंदा ड्रग्स लेता हो ना उसका पूरी फैमिली खत्म हो जाती है उसकी। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, होप कि तुम सब बढ़िया होंगे। तो बढ़िया होने चाहिए मेरी तरह, मेरी दुआएं आपके साथ है और आपकी मेरे साथ होनी चाहिए। थोड़ा वो आदत नहीं हो रही दोबारा से अच्छी, कोई नहीं डेली व्लॉग कर रहे हैं हम, दोबारा से हो जाएगा। पहले मैं थोड़े दिन हुआ था डीमोटिवेट, मैंने सोचा था कि यार नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करेंगे, बट बहुत सारे DM आए मेरे को, कमेंट भी आई कि भाई नहीं इसी चैनल को ग्रो करो, इसी पे डेली वीडियोस डालो, मेहनत करो, कुछ नहीं होगा। तो फिर मैंने प्लान कैंसिल कर दिया कि यार नहीं सही बोल रहे हैं सारे, नया चैनल क्यों क्रिएट करना है। इतनी सारी मेमोरीज है इस चैनल पे, इतना सारा इस पर वर्क किया है, इतनी अच्छी अच्छी राइडिंग की है, तो इस चैनल को मैं क्यों छोड़ दूँ। तो बस फिर उस दिन से मैं डेली व्लॉग कर रहा हूँ। सोच लिया मैंने, व्यूज आए ना आए, कोई देखे ना देखे, मुझे कोई फर्क नहीं है, बट मैं अपना जो मेरा काम है मैं वो अच्छे से करूंगा। तो फिर दोनों भाई निकले हैं बाहर, थोड़ा सा रील वगैरह शूट कर लेंगे, फिर मैं दो दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ, दो दिन के बाद आऊंगा भाइयों के पास, तो फिर आकर घूमेंगे। अभी उस्मान को यहाँ से पिक करना, ये हमेशा लेट करता है यार, कसम से यार अभी भी नहीं पहुँचा। देख इसको मैंने कब का कॉल किया, जब हम निकले थे ना घर से उस टाइम मैंने कॉल की थी कि आ जाओ, अभी तक नहीं पहुँचा यार। अभी यहाँ पे गए, थोड़ी देर वेट करते हैं उस्मान का। यार तुझे पता है ज्यादा टाइम नहीं है, तू इतना लेट क्यों आ रहा है? कभी तो जल्दी आया कर यार। किस साइड जाने? फाइनली गाइस, आज हम देखो किस में आ गए हैं। आफू भाई की स्कॉर्पियो आ गई है जम्मू से। आफू तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर तक चक्कर मारने। प्लान थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जो हमने ट्रिप प्लान किया वो हम किस पर करेंगे, वो कौन सी गाड़ी में करें। गाड़ी ये भी पहुंच गया हमारे पास अपनी गाड़ी, हमने उसमें भी टायर वगैरह चेंज करवा दिए क्योंकि हमें दूर जाना था, क्योंकि वो ट्रिप बहुत ही अच्छी होने वाली है और मैं उस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। काफी टाइम से मेरा प्लान था वहाँ जाने का। थार तो नहीं ले सकते हैं, थार नहीं लेंगे, थार तो घर पर है। हाँ, तो मुझे लगता है स्कॉर्पियो भी लेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे यही। बाकी ट्रिप बहुत अच्छी रहने वाली है हमारी दो दिन की, बस मुझे दो दिन का काम है, मैं दो दिन में फ्री होके आने वाला हूँ। इसीलिए जाने से पहले अपने दोस्तों के साथ एक गेड़ी मारने जा रहा हूँ, जरूरी है क्योंकि ये मेरे बगैर उदास हो जाते हैं यार। अगर मैं एक दिन यहाँ नहीं ना हूँ, साकिब और उस्मान का दिन खराब हो रहा था, बोलते यार आज हम कहीं नहीं गए घर से बाहर, मन ही नहीं करता ना। साकिबा कहाँ था तू कल? साकिबा के बगैर व्लॉग अधूरा रहता है हमारा, साकिब का व्लॉग में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग सोचते होंगे यार कितने बेले हैं यार, दिन हर टाइम पे साथ होते हैं, पर क्या करेंगे गाइस, यही जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो। भाई जा रहा है दीदी दे शीशे टेंट बेलो। आगे क्या है पता नहीं, आई नहीं आता ना। चला यार हम जा रहे हैं रील बनाने, और मैं अभी रील बना लूंगा क्योंकि बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो इसीलिए देख लो आजकल मैं कितना ज्यादा तुम्हारे साथ अपनी बाखूबी अपना काम जो निभा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे हर रोज रील डालनी है, ब्लॉग डालने हैं। आजकल मैं इतना ज्यादा वो हो गया हूँ, मैं अपने मतलब ऐसे टाइम में अपना टाइम निकालता हूँ ना यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, वरना मैं अभी जा सकता था, बट मैंने अभी घर वालों को बोला कि यार रुको मैं आया अभी होकर, यार मुझे लगता है पीछे ना खिड़की। अभी हम जा रहे हैं अपनी फेवरेट लोकेशन पे, पहले ये वाली लोकेशन चेक करो, यहाँ पे ये वही लोकेशन है जहाँ मैंने और साकिब ने ना बारिश में समोसे खाए थे, और यही वहाँ रास्ता आया था। हम जा रहे हैं नए वाले हाईवे पे, क्योंकि वहाँ पे ना गाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा नहीं होती, आप अपना काम अच्छे से कर सकते हो, व्लॉग अच्छे से बना सकते हो, रील वगैरह अच्छे से बन सकती है, क्योंकि वहाँ पे अभी इतने ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती, जब गाड़ियाँ चलेंगी फिर वहाँ पे भी ट्रैफिक होना स्टार्ट हो जाएगा, पर अभी फिलहाल वहाँ पे मज़ा आता है। वाल वगैरह बताना मेरे कैसे लग रहे हैं, और भाई तुम्हारा कैसा लग रहा है ये भी बताना, फोन काट रही है। ओ सॉरी
गाइस कट, मैंने अभी कुछ बोला था वो नहीं डाल सकता हूं। सो ऑलराइट गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी प्यारी सी और फेवरेट सी लोकेशन पे। यहाँ पे तुम चेक करो सामने क्या प्यारा व्यू आ रहा है। सुबह सुबह के टाइम ना वेदर एक अलग ही सीन होता है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड, हल्की हल्की गर्मी। शीशे मैंने इसीलिए मिरर बंद किए हुए हैं ताकि ना व्लॉग बनाता हूँ ना बाहर से आवाज़ आती है फिर मज़ा नहीं आता। हम ज़्यादा आगे आगे हमारी लोकेशन कहाँ है वो आगे रुकेंगे हम यार, यहाँ पर रील्स वगैरह बनाएंगे उसके बाद निकलेंगे वापस, मज़ा आएगा काफ़ी। कल रात को भी बारिश हुई थी बट आज मौसम क्लियर है। यहाँ पे लगा दूँ है ना, यहाँ पे रुकेंगे 10 मिनट रुकेंगे यहाँ पे। गाइस फाइट हो गई यहाँ पे गाइस, मोर इसको मोर गाड़ी में बाहर नहीं आ रहा कैसे बैठा ऐसे लग रहा है सच में तेरे को किडनैप किया है। वो कहाँ जा रहा है आगे बैठ। तू इतना थोड़ी करूंगा तेरे साथ यार, इतनी नाइंसाफी थोड़ी करूंगा तेरे को अंदर गर्मी में बंद करके रखूंगा। चल छोड़ यार। गाइस फाइनली हमारी रील शूट हो गई है, हम जाएंगे अब, मैं मिलूंगा तेरे को परसों 2 दिन के बाद। गाइस अब देख लेना अल्लाह की कसम, अब मैं ना बाहर निकलूंगा दो दिन ये घर पर बैठेंगे क्योंकि 2 दिन मैं यहाँ पे कश्मीर में नहीं रहूंगा, कश्मीर में रहूंगा बट कहीं दूर रहूंगा 200 किलोमीटर दूर, तो फिर आऊंगा वापस, फिर हम जाएंगे ट्रिप पे। वो तो जाना ही है, हम निकलेंगे ट्रिप पर गाइस, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। हमारे साथ और भी हमारे भाई होंगे तो 2-3 ब्लॉग मैं वहाँ के डालूंगा, वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर गए हैं ऑलरेडी बट मेरा जाना भी बनता है तो हमें भी वहाँ पे जाना है। जाएंगे जरूर। और जो मैंने गाड़ी के पीछे स्मोक टायर्स नॉट ड्रग्स लिखवाया है ना, उसका लिखवाने का क्या रीज़न है वो सारा डिटेल मैं तुम्हें बताऊँगा आने वाले कुछ ब्लॉग्स में इंस्टाग्राम पर, उसका भी एक रीज़न है। जितने भी भाई देख रहे हैं अपनी बाइक्स पर गाड़ी पर वो लोगों बनवा लो, काफ़ी ज़्यादा तुम्हें बताऊँ कि आजकल जो चल रहा है हम देख रहे हैं ना यूथ, जो हमारे जैसे लड़के हैं वो सब ना नशे वगैरह करते हैं, छोटे नशे करे ना कोई तो बंदा घर वाले सह लेते हैं। जो बंदा ड्रग्स वगैरह लेता हो, अगर फैमिली में एक बंदा ड्रग्स लेता हो ना उसका पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है, उसकी टेंशन में उसके जो उसने वो की होती हैं चीज़ें वो सारी ख़राब हो जाती हैं। सो प्लीज़ यार खासकर उसकी मतलब जो माँ होती है वो टेंशन बढ़ जाती है, प्लीज़ ऐसा मत करें, ड्रग्स वगैरह मत लें, घूमो गाड़ियों के टायर जलाओ, घूमो, एक्सप्लोर करो, ट्रैवल करो, प्लीज़ यार ड्रग्स वगैरह मत लो। ये एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं, ये लोगो मैंने स्पेशली गाड़ी पे क्यों बनवाया, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या हमारी तरह घूमो, इन शॉर्ट हमारी तरह घूमो, नशे वशे हमारी तरह मत करो बस। तो क्या बोल रहा है, मेरे को बोलने नहीं दे रहा, तेरे को कैंपेन में उस दिन खड़ा करूंगा ना माइक दे के स्टेज पे, फिर देखूंगा तो कितना बोला है। बहुत कुछ देखने वाले हो तुम आने वाले कुछ ब्लॉग्स में, इसीलिए डेली वीडियोस आ रही हैं ताकि तुम ना कुछ भी मिस मत करो। मुझे पता है कि ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस नहीं देखते बट जितने लोग मेरे को देखते हैं उन सब के लिए एक अच्छा मैसेज मैं देने वाला हूँ। यार पता नहीं क्या तुम गुचर मुचर करते रहते हो, मुझे कल गया था सालस, कहाँ सालस, शादी पे गया था ना कल, तेरे को तो पता है क्या खाया तूने वहाँ पे, इसने वहाँ से कुछ हमारे लिए लाया ही नहीं। वो सुनना, ये आया कल वहाँ से खाना खा के इसको पेट में दर्द होने लगी, इसने खाया ना हैवी वाजवान वगैरह खाया ना, इसमें थोड़ी दर्द हो, तू बोल रहा था मेरे को कुछ वीकनेस हो रही है, शादी पे जब खाते हैं ना खाना हाँ। फिर इंसान ऑटोमेटिकली थक जाता है, तो अब मैं जा रहा हूँ मैं भी खाऊंगा वहाँ पे, मैं भी थक जाऊंगा हाँ, मैं थक जाऊंगा 2-3 किलो चिकन से मैं थक जाऊंगा। मैंने कब, मैंने तो मीट खाया नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं, चिकन नहीं खाता, 4-5-6 क्रिया अंदर जाती है ना फिर होता है इंसान को ऑटोमेटिकली, नहीं वो तो कितना स्टोमक कितना सह सकेगा यार। हो गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया यार, इतने सारे गप्पे मारी हमने, मौजू किया, हम काम कम करने आते हैं थोड़ी बकचोदियाँ ज़्यादा करने आते हैं, अल्लाह की कसम यार मैं साकिब के साथ थोड़ी सी तंगी कर देता हूँ हर बार, और मेरे इस हाथ को दर्द होगी, इसको ना पुश करते टाइम ना हाथ में लग गई मेरे को। अब निकलते हैं यहाँ से वापस, क्या प्यारा मौसम हो रखा है यार बाहर, उस्मान मेरे मुँह में ना पानी वो सूख गया मेरा मुँह ना बातें कर करके, बकचोदी कर करके चिल्ला चिल्ला के। अब जाएंगे घर जाके, अब मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया पता है, मैं ऐसे ही फटाफट नहाया, मैंने चेंज किया तो मैं निकला फटाफट, फिर मैंने सोचा पहले रील बनाते हैं और व्लॉग बनाते हैं। हाँ वो जाकिर के पास गया, मैंने खुद ही ट्रिमर ली यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लिया क्योंकि टाइम नहीं था यार ज़्यादा। सो गाइस करता हूँ इस प्यारी सी वीडियो पे यहीं पे एंड, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मैंने अभी 2 दिन मैं यहाँ से बाहर रहूँगा
और फिर आकर वापस तुम्हें अपने भाई व्लॉग में देखने को मिलेंगे। दो दिन सिर्फ मैं ही देखने वाला हूँ तुम्हें, दो दिन या फिर एक दिन। मैं अगर अकेले रहूँगा तो अकेले मैं कम ही व्लॉग बनाता हूँ। अगर तुम्हें चाहिए व्लॉग अकेले में तो कॉमेंट कर देना मेरे को। प्यारी सी जगह पर जा रहा हूँ, वो भी एक्सप्लोर करने लायक जगह है, वो भी मैं तुम्हें एक्सप्लोर करूँगा। लेट्स गो, वीडियो पर कॉमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।